हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, जो कि सिलेबस आपका यानी कि पूरा हो गया है। पॉलिनोमियल चैप्टर टू खत्म हो गया है। अब मैं आपको चैप्टर टू का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताने से पहले मैं आख्या का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आख्या को क्वेश्चन समझ में कुछ कम आया है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कम समझ में आया था, जो कि यहाँ फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आने के लिए आपको पूरी आइडेंटिटी तैयार रखनी होगी। आइडेंटिटी को तैयार करने के लिए मैंने लिखवाया भी है और एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ देखिए कौन सी आइडेंटिटी, देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। इसमें भी देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे भी वन का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं भाई? बीच में देखिए तीन टर्म किस में आता है, तो तीन टर्म देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरह से तीन टर्म इसमें आता है। तो यह आइडेंटिटी जो है किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हमें समझना है। इसको एक ए स्क्वायर के रूप में बनाना है, इसको बी स्क्वायर के रूप में बनाना है, इसके टू ए बी के रूप में बनाना है। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करना है, ताकि यह ए और बी के टर्म में बने और ए और बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बने। तो देखिए इसको हम करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आखिर आपको क्वेश्चन कम समझ में आया था, इस पर मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए मैंने 9x को लिख दिया 3x, 3x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, अगर यह समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 6xy ही रहने दीजिए। जैसे मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 3x इंटू वाई, अगर आपको नहीं ब्रेक करने आ रहा तो इसको ऐसे ही 6xy ही रहने दीजिए। और प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, दो टर्म मिल गए, बीच वाला 2ab रहेगा ही, जान लीजिए। तो यह बन क्या गया, x मिल गया और y मिल गया, पहला दूसरा मिल गया। तो देखिए 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, इसलिए लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद होल स्क्वायर है तो दो बार उसको लिख देंगे, तो इतना इंटू इतना। इसी तरीके सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, तो क्या करना है, 2y का स्क्वायर माइनस 2y। अगर 4y को इस तरह ब्रेक नहीं करना चाहते छोड़ दीजिए, यहाँ पे 4y ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए दोनों दो ही टर्म है, तो किस में दो टर्म होता है, इस वाले आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो टर्म होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर के रूप में बनाइए। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको वाई अपन 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू वाई अपन 10 हो गई। तो यह आइडेंटिटी हो गई ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। अब एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज है। एक दो लोग इसको पूछ चुके हैं अलग से, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, अगर फैक्टर फ्रैक्शन के रूप में है तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 3 एलसीएम ले लिए, हमारा आ गया 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 3 2 6, 3 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, ठीक है ना। अब यह 3 पूरे के होल में अपान में है, तो इसलिए इस 3 को बाहर कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे, और बाकी जैसे है वैसे कर लिए। अब देखिए 27 का फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, 27 का फैक्टर करना है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो 9 3 27, 9 में से 3 माइनस हो गया, 9 3 27, 9 में से 3 माइनस हुआ, क्या आ गया, 6 आएगा। तो देखिए 6 को मैंने ब्रेक किया, इसको मिडिल पार्ट ब्रेकिंग करते हैं, मिडिल वाला पार्ट ब्रेक हो गया, 9 3 हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 और इधर से एक्स हो जाएगा, 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया। अब दो दो का पेयर बना के कॉमन कर लेंगे, इस वाले पेयर पहले पेयर में से x कॉमन हो गया, दूसरे पेयर में से 3 कॉमन हो गया, तो x माइनस 9 जो पहले में बचेगा वही दूसरे में बचेगा, दोनों में सेम रहेगा तो कॉमन कर लिए। यहाँ पे x माइनस 9 कॉमन हो गया, बच गया x प्लस 3, तो 1/3 x माइनस 9 x प्लस 3 इसका फैक्टर हो गया। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ रूट का, रूट का फैक्टर। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैं यही बोर्ड पे ही चालू कर रहा हूँ, आपको देखने समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अंडर रूट 2 है। तो देखिए रूल होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करें। कांस्टेंट टर्म कौन होता है, लास्ट वाला जो c होता है, क्योंकि टर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो देखिए यह एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है, ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे कांस्टेंट में, तो जो आएगा उसका फैक्टर करना होता है, तो रूट टू का मल्टीप्लाई कांस्टेंट यानी रूट टू में हुआ, यानी रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया, टू हो गया। अब टू का फैक्टर आपको करना है, टू के फैक्टर को आपस में देखिए यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस करने पे थ्री आना चाहिए, तो टू वन जा टू, टू और वन थ्री, तो देखिए फैक्टर मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस टू प्लस वन और एक्स प्लस अंडर रूट टू। देखिए इस तरह से थ्री को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, अब अलग अलग कर देंगे, तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस अंडर रूट टू। देखिए इस तरह से हमने लिख दिया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, फिर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन करना है। अब देखिए कॉमन करना आपका फंस जाता है कि यहाँ रूट टू है, यहाँ टू है, कैसे कॉमन होगा, देखिए टू यही था, टू का फैक्टर क्या है, रूट टू इंटू रूट टू, तभी तो टू आया, तो इसका मतलब इस टू में एक रूट टू है, तो रूट टू निकलेगा और एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, रूट टू एक्स बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब प्लस देखिए टू में क्या होगा, रूट टू रूट टू, एक रूट टू बचेगा, तो एक रूट टू यहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, इसमें रूट टू है, इसमें नहीं है, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो वन लिखेंगे, वन हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट टू यहाँ पे भी बच गया। इस तरह से अब दोनों में क्या काम सेम हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट टू, तो एक्स प्लस अंडर रूट टू दोनों में सेम हो गया, यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट टू एक्स, अंडर रूट टू एक्स बचा, यहाँ प्लस वन हो गया, इस तरह से आपका फैक्टर बन गया। इस फैक्टर को आप देखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, इस तरह से अब नेक्स्ट फैक्टर बताएंगे आपको। देखिए सेकंड, रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री रूट फाइव, इसी जैसा है, फर्स्ट जैसा सेकंड है, इसलिए सेकंड आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, ये होमवर्क है आपका। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री है, इसको मैं कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, देखिए कॉन्स्टेंट टू है, टू का मल्टीप्लाई थ्री में हो गया, क्या आ गया, सिक्स आ गया, सिक्स का ऐसा फैक्टर करना है ताकि यहाँ थ्री रूट थ्री आए, तो देखिए रूट थ्री के रूप में आ रहा है, इसका फैक्टर टू इंटू थ्री तो ऑलरेडी है, तो टू का तो हम रूट बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ रूट थ्री है, तो थ्री को ही हम, थ्री का फैक्टर क्या होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो यानी टोटल फैक्टर हो गया टू इंटू रूट थ्री रूट थ्री, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लें, टू रूट थ्री और इंटू रूट थ्री दोनों को एड करें तो क्या आएगा, थ्री रूट थ्री, इस तरह से हमें फैक्टर मिल जाता है। हाँ तो देख लीजिए, उसको ब्रेक कर दिए, टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, फिर इसके बाद ये टू एक्स कॉमन हो जाता है, ये फैक्टर बन जाता है एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, और दूसरे में से भी एक्स प्लस अंडर रूट थ्री कॉमन हो जाएगा, तो